देखिए ये जो स्थान है वहां पे देख पा रहे हैं आप लोग, एक लैमिनेशन रखा गया। लैमिनेशन में कुछ तो फोटो है, क्या है फोटो? फोटो में क्या है? भगवान के तीर्थ सिंह जी। और क्या कर रहे हो? कौन है सातवा? भगवान बलराम जी। बलराम जी नहीं, किसने कौन है? सातवा जो है बलराम जी है। बलराम जी किसी तरह से बच जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को रखते हैं और उनकी स्त्री बच्चे को लेके जाते हैं। जैसे जाते हैं तो कंस को पता हो जाता है और कंस उसको मारने के लिए आते हैं। तो कंस को जैसे मारने आते हैं वो स्त्री बच्चे संतान को, तो तुरंत ऊपर उड़ जाते हैं और बोल ये राक्षस कौन है? पूतना। हाँ सही जवाब। प्रभु का नाम क्या है? कन्हैया। अनयन प्रभु के लिए क्लैप हो जाए, सही जवाब दिया प्रभु ने। ठीक है देखिए, तो ऑडियंस भी कुछ बताए तो हमें भी अच्छा लगता है ना। तो आ जाइए, माताओं को थोड़ा आगे आने का मौका दीजिएगा। तो ये पूतना एक राक्षसी थी, ये इतना डेडली थी कि इनको भी कंस में फर्स्ट टाइम भेजा था और भेजने के बाद क्या बोला कि आप इनको दूध पिला दीजिए। तो ये यशोदा माँ के सामने गई और इसको अष्ट सिद्धि प्राप्त था। तो बहुत तो जब लगता है कि वो नीचे आना चाहिए हम लोग, तो भगवान अपने भार को बढ़ा लेते हैं। जैसे बढ़ा लेते हैं वो नीचे आके गिर जाता है, जिसका बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है ना, जैसे हम लोग प्रेत योनि में देखते हैं ना, बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता है, उसी तरह रथ ऑटोमेटिक अपने आप चल रहा था। तो ये असुर चला रहते हैं और चीज को देखने से वो क्यूरियोसिटी होता, उसमें जाके चढ़ जाते हैं। तो वो भी चढ़ गए, बाद में जैसे उनको पता चला तो उनका उस राक्षस का वध कर दिया। ठीक है, कोई बताएंगे? हाँ कुछ बता रहे। वृंदावन नाम क्यों पड़ा है? तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, वृंदावन वृंदा मतलब क्या होता है? तुलसी। हाँ सही है माता जी। क्या नाम है माता जी आपका? मीना। मीना माता जी के लिए क्लैप हो जाए। ठीक है ना, माता जी सही बताइए, वृंदा मतलब तुलसी होती है और ये भक्ति देवी भी होती है, इसका नाम है। तो इसका जहाँ वन होता है उसे ही हम लोग वृंदा वन कहते हैं। तो आप अगर कहीं पे जाएंगे कोई पूछेगा तो बता सकते हैं। तो लास्ट